जिसमें हमको स्टेटमेंट इंक्लूड किया हुआ नहीं मिलता है बट कई बार क्या होता है हमें स्टेटमेंट विथ प्रूफ के साथ में हमें जो स्टेटमेंट हमें शो करना है तो समटाइम्स जब स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो दो टाइप से पूछी जाती है तो इसमें ऑर्डर इसको चेंज करके दिया जाता है और समटाइम्स क्या है हमको विदाउट ऑर्डर दिया जाता है तो इसके लिए प्रूफ इजीली हमको करने के लिए हमको थ्योरम को अच्छे से रीड करना होगा और किस प्रकार हम इसका स्टेटमेंट यूज करेंगे वो भी पढ़ना होगा और यदि आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो डेफिनेटली आपको जो प्रूफ है वो भी इजी जाएगा तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट क्लियर करेंगे कि किस प्रकार का स्टेटमेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है फाइनाइट ग्रुप्स पे तो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप जी हमें फाइनाइट ग्रुप दिया मतलब वो लिमिटेशन उसके फाइनाइट से तो यदि ग्रुप तो है बट वो कैसा ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप तो सज दैट पी ऑर्डर ऑफ एम जो पी के ऑर्डर है ये वैल्यूज है ये एम है तो जहां पर एम के हमारे लिए एम हमारे लिए एक पॉजिटिव इंटीजर है जो भी हमें थ्योरम में इंक्लूड दिया हुआ है और पी हमारे लिए क्या हो यहाँ पे प्राइम नंबर है मीन्स ऐसे नंबर है जो किसको डिवाइड करते हैं सम ऑर्डर्स को डिवाइड करते हैं और सम ऑर्डर्स को डिवाइड नहीं करते तो ये हमारे लिए प्री हो गया प्राइम नंबर तो पी को यही शो करना है हमें जो पी के लिए एक दिए है प्राइम नंबर और एम के लिए पॉजिटिव इंटीजर तब जी के पास क्या होगा एक सब ग्रुप एच होगा तो ये हम सब ग्रुप और ग्रुप की डेफिनेशन पहले ही क्लियर कर चुके हैं तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो जो ग्रुप और सब ग्रुप्स के लिए हम नॉर्मल सब ग्रुप यूज करते हैं उसी प्रकार हमने डिफाइन कर चुके हैं तो हमें कंडीशन प्रूफ ऑन करना है कि जी के पास एक सब ग्रुप होना चाहिए एच तब क्या कंडीशन होंगी सर डेट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल होगा पी एम के, के तो जो एम है यहाँ पे ऑर्डर को शो कर रहा है और एम क्या है एक पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है मतलब यहाँ वन टू थ्री सारी कैसी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव वैल्यूज तो जब ये पॉजिटिव वैल्यूज को शो करेगा तो ये क्या कहलाएंगे ऑर्डर ऑफ एच के लिए कहलाएंगे एक सब ग्रुप हो गया और एच यदि यहाँ पर सब ग्रुप है तो ये ऑर्डर ऑफ एच के अकॉर्डिंगली क्या होगा पी एम मतलब ये ऑर्डर ऑफ एम के लिए ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा तो पी जो ऑर्डर ऑफ एम है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है बट जो इसकी लास्ट वैल्यूज के लिए ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज को डिवाइड करेंगे अब मैं बात करती हूँ यदि पी एम माइनस वन तो मैं ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन के लिए बात कर रही हूं तो यहाँ पे मैंने यदि एम की वैल्यू पुट ऑन कर दी अब मैं यहां पे एम की वैल्यूज पुट ऑन करती हूँ टू तो पी की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी दैट पी की वैल्यू आ गई वन तो ये ऑर्डर ऑफ पी के लिए वैल्यूज वन बट मैं फाइनाइट वैल्यूज के लिए बात कर रही हूं तो मैंने एम को कैले लिए ले, एक फाइनाइट के लिए कैटेगरी में लिया तो जो पी एम माइनस वन है इसके लिए बिलोंग जो है वैल्यूज को डिवाइड नहीं करता मतलब इट डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी तो जो पीएम पीएम के लिए ऑर्डर के मतलब पी के ऑर्डर के लिए एम के लिए ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा बट पीएम माइनस वन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा इट मीन दैट इट डजन डिवाइड टू ऑर्डर ऑफ जी तो यहां से कंडीशन क्लियर तो इसी को जो हमने अकॉर्डिंगली पुट जब भी हम साइलोपी सब ग्रुप को पढ़ते है तो इसमें स्टेटमेंट हम यूज करते हैं किसका साइलोस फर्स्टरम का या जब भी हम साइलो फर्स्टरम को पढ़ेंगे तो पी सब ग्रुप के लिए यूज होंगे डेफिनेशन तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इसका जो यूज होंगे हमारे लिए क्या होगा हम इसको इंडक्शन थ्योरम से यूज करेंगे मतलब जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इस थ्योरम को हम किस में यूज करेंगे हम इंडक्शन हाइपोथेसिस के या बाय इंडक्शन मेथड से हम इसको शो करेंगे क्योंकि जो स्टेप की थ्योरम्स होती है मतलब हमें क्या करना पड़ता है अकॉर्डिंगली एक फाइनाइट ग्रुप्स के लिए यूज करना पड़ता है जब भी फाइनाइट ग्रुप्स की बात की जाती है तो हम इंडक्शन थ्योरम्स के लिए या इंडक्शन हाइपोथेसिस का यूज करते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं तो जॉर्डन ऑर्डर थेम में भी हम बाय इंडक्शन यूज करते थे तो सेम कंडीशन में हम यही यूज करेंगे और इसमें हम इसको केस अकॉर्डिंगली भी यूज कर सकते हैं कि केस वन और केस सेकंड में हम यूज दे देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी तो जो ऑर्डर ऑफ जी के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंडक्शन को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा जो केस फर्स्ट है आप इसको चाहे तो केस में दे सकते हैं डायरेक्ट बाय डायरेक्ट से भी आप शो कर सकते हैं तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि यदि इफ ऑर्डर ऑफ जी हम सपोज कर रहे हैं टू तो हमने पी के लिए ऑर्डर ऑफ एम कितना लिया है एम मतलब पी का ऑर्डर है एम तो पी ऑर्डर ऑफ एम में है तो यहाँ पे सपोजिंग सपोजिंगली आपको जो स्टेटमेंट हमने ऑर्डर ऑफ़ लिया है यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट ऑन भी हो सकती है मतलब पी P1, वन टू इस प्रकार के ऑर्डर आपको शो करने के लिए आ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जियर डायरेक्टली यदि p ऑर्डर ऑफ m नहीं आया तो इतनी वैल्यूज को शो ऑन करना पड़ेगा आपको तो वही हमने ऑर्डर ऑफ जी कितना लिया है टू लिया है तो यदि मैंने ऑर्डर ऑफ जी टू ले लिया है मतलब ये ऑर्डर ऑफ पी की वैल्यूज को शो कर रहा है मतलब यहाँ पे पी टू है तो ये टू वन यहाँ पे वन क्या है हमारे लिए ऑर्डर है तो टू के लिए प्राइम में जो हमारे पी यहाँ पे जो हमारे लिए होता है वो है टू मतलब पी की वैल्यू हो गई टू और वन क्या हो गया हमारे लिए एम मतलब हमने जो पी एम यूज करा था उसी प्रकार एम हो गया वन और टू हो गया पी तो यहाँ डिवाइड हो गया तो वही वेयर पी की वैल्यू कितनी है टू और एम की वैल्यू वन सो so, टेक हम क्या लेते हैं एच को सब ग्रुप लेते हैं जी का एच यदि सब ग्रुप है जी का तो क्या करेगा एक उसके पास में सब ग्रुप है तो इसी प्रकार हम डिफाइन करा है देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी क्योंकि यदि हमने टेक करा है एच को जी का सब ग्रुप तो इसी प्रकार यही होगा कंडीशन के एच के पास में सब ग्रुप होगा एच अब यदि एच के पास में एक सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ऑफ जी हम जो इंडक्शन मेथड से यूज कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ जी हमारे लिए टू है तो अब यदि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू है तो और हमने टू वन लिया था मतलब ऑर्डर ऑफ वन हो रहा था टू के लिए इसी प्रकार मैं ऑर्डर ऑफ एच की बात करती हूँ तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो गया हमारे लिए एच होगा सब ग्रुप तो ये पी एम होगा मतलब p की पावर जो एम है मैं वो ऑर्डर को शो करेगी तो इसी प्रकार सब ग्रुप के लिए कंडीशन थ्रू ऑन होंगी तो जहां पर p की वैल्यूज को हम क्या करते हैं यदि मैं ऑर्डर ऑफ h की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ h को मैं लिख सकती हूँ टू वन मीन दट ये ऑर्डर ऑफ g के इक्वल कितना हो गया h तो h इक्वल जी मतलब ऑर्डर ऑफ h किसके इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ g के मतलब जो सब ग्रुप है वो किसके इक्वल हो गए बोथ टाइप से इक्वल तो जहां पे पी की वैल्यू सेम रहेंगी और एम की वैल्यू भी हो दोनों सेम रहेंगी तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ देन इज ट्रू फॉर वल टू वन जहां पे पी हो गए प्राइम नंबर और एम हो गए पॉजिटिव वैल्यूज का सेट वही जो ऑर्डर उसमें हम शो करते हैं पी पी वन पी टू पी थ्री इस प्रकार की क्या हो गया ऑर्डर ऑफ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सेट हो गए तो यार मैं डायरेक्ट इसको पी भी लिख सकती हूँ मीन देट यहाँ पी में सारी वैल्यूज इंक्लूड है तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा कि किस प्रकार सॉल्व होगा तो केस फर्स्ट में हमने क्या देखा कि जो ऑर्डर ऑफ उसके लिए था ग्रुप के लिए सब ग्रुप के लिए हमने देख करा था तो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ के एच थे, थे कैसे थे इक्वल थे तो जी और एच ऑर्डर ऑफ एच इक्वल थे तो पी के लिए प्राइम नंबर्स और एम के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए शो ऑन हो रहे थे जिसके लिए थ्योरम क्या हो रही थी टू ट्रू हो रही थी पी इक्वल हमने लिया था टू और एम इक्वल वन तो इसके लिए थ्योरम ट्रू हो रही थी अब हम केस सेकंड स्टार्ट करते हैं इसमें हम क्या सपोज करेंगे लेट अस सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी इस मीनिंग दैट कि मीनिंग का वैल्यू क्या हो रहा है हमारे लिए प्रूफ की सारे वैल्यूज हमने ग्रुप्स के लिए ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर मतलब यदि हम ऑर्डर को चेंज कर दे जो हम पी एम ऑर्डर ले रहे हैं मतलब पी का ऑर्डर एम ले रहे हैं यदि हम इसको चेंजेस कर दे सारे ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर तो कैसे होना चाहिए लेस देन ऑर्डर ऑफ जी के होना चाहिए तो यदि वो किसके लिए बात कर रहे हैं लेस देन ऑर्डर जी यदि हमने एच के लिए सारे सब ग्रुप्स में ऑर्डर लिए तो वो लेस देन कैसा होना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए मतलब इन वैल्यूज को क्या होना चाहिए लेस देन ऑर्डर ऑफ जी के होना चाहिए सारे ग्रुप्स की वैल्यूज के लिए इसमें इंक्लूडिंग करेंगे एच की सारे वैल्यूज जो हमने प्रूव करे हैं कि पी के लिए कितने थे हमारे पी एम सपोज करे हम ऑर्डर के लिए तो इस प्रकार सारे वैल्यूज के होंगे लेस ऑर्डर जी के तो यही हम वी विल प्रूव दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर जी अब हम थ्योरम को प्रूव करेंगे कि इसके लिए जी के लिए प्रूफ है तो हम यहाँ पे एक सपोज करते हैं कि अगेन हम क्या करते हैं एक प्रॉपर सब ग्रुप अभी इसके जस्ट पहले हमने केस सेकंड में क्या करा था जी एज अ सब ग्रुप ओनली लिया था अब हमने यहाँ पे जी एज अ प्रॉपर सब ग्रुप ले रहा है तो यहाँ जो प्रॉपर सब ग्रुप ले रहा है इसको हम शो करेंगे डिफाइन साइप से तो जो सब ग्रुप एच के लिए है, तो इसके लिए कंडीशन होंगी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे जी का और यदि प्रॉपर सब ग्रुप है तो ये ऑर्डर ऑफ एच को क्या करेगा डिवाइड करेगा यदि ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है मीन ये सारी वैल्यूज को इसमें फाइनाइट ग्रुप की वैल्यूज क्या हो रही है शो ऑन हो रही तो यही यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा मतलब इसमें ऑल ग्रुप के इंक्लूडेड है ऑर्डर यदि सारे ऑर्डर ग्रुप्स के इंक्लूड है तो ये ऑर्डर ऑफ एच कैसा होगा लेस देन होगा क्योंकि यही क्या कर रहे थे हम सपोज तो यही कंडीशन हमारी ऑर्डर ऑफ एच कैसा हो गया लेस देन हो गया ऑर्डर ऑफ जी के तो ये थे किसके लिए प्रूफ हो गए अगेन अगेन एच जो है प्रॉपर सब ग्रुप के लिए प्रूफ हो गए तो ये जो हमारे केस हुआ और केस सेकंड सॉल्व हो गए अब यहाँ से हम क्या देखेंगे एच को एक सब ग्रुप लेंगे यदि जी के पास में तो किस प्रकार डिफाइन होगा अब एच के पास में एक सब ग्रुप लेते हैं अभी तक मैंने क्या लिया था जी के पास में एक सब ग्रुप लिया था एच या प्रॉपर सब ग्रुप जो एच के लिए मैंने किस सेकंड में लिया था ये था अब एच के पास एक सब ग्रुप ले रही हूँ एच अगेन पहले से क्या है सबसेट है किसका या सब ग्रुप है किसका जी का अब एच सब ग्रुप है जी का तो अब मैं एच को ही एक क्या ले रही हूँ सब ग्रुप ले रही हूँ एच के अंदर एक सब ग्रुप है एच के पास में क्या एच वन मतलब एच वन किसका सब ग्रुप है एच का तो इस प्रकार डिफाइन हो गया कि H1 इसका सब ग्रुप है H का और उसी प्रकार जो H है वो किसका सब ग्रुप है G का तो H1 और और H बोथ क्या है सब ग्रुप है तो यही मैंने कंडीशन ली कि H के पास में क्या है एक सब ग्रुप है एच जिस प्रकार मैंने लिया था G के पास में एक सब ग्रुप क्या है अभी सेम कंडीशन में यदि है तो जी के पास में एक सब ग्रुप क्या था एच तो वही कंडीशन एच के पास में एक सब ग्रुप है एच तो यहाँ से सर दैट कंडीशन जो मैंने ऑर्डर ऑफ एच के लिए फॉलो ऑन की थी कि ऑर्डर ऑफ एच क्या हो रहा था पी के ऑर्डर एम में को इक्वल कर रहा था मतलब ऑर्डर ऑफ डिवाइड को डिवाइड कर रहा था तो इसी के लिए मैंने ऑर्डर ऑफ एच वन कितना लिया है पी ऑर्डर ऑफ एम लिया तो पी ऑर्डर ऑफ एम को क्या कर रहा है ऑर्डर ऑफ के इक्वल है तो यदि जी के पास में भी सब ग्रुप एच वन हो तो यही कंडीशन एच वन सबसेट है एच का और एच किसका सबसेट है जी का यानी कि सब ग्रुप एच वन है सब ग्रुप एच का और एच सब ग्रुप है अगेन किसका जी का तो ये बोल कंडीशन में कैसे होंगे इक्वली तो यही इक्वली ग्रुप ऑन करने के लिए हमने क्या ले लिया यदि ये इसका सब ग्रुप है जी का तो एच वन को भी जी का सब ग्रुप होना चाहिए क्योंकि ग्रुप की कंडीशन अकॉर्डिंगली फॉलो ऑन हो रही है तो सच कंडीशन क्या बनेगी कि ऑर्डर ऑफ एच वन कितना होगा पी ऑर्डर ऑफ एम होगा तो ये कंडीशन अगेन फॉलो ऑन की एच वन के लिए कंडीशन हमने पहले एच के पास में एक सब ग्रुप एच वन के लिए फॉलो ऑन करी अब जी के ही पास में एच वन एक सब ग्रुप है उसी के लिए सेकेंड फॉलो ऑन की तो ये कंडीशन बोथ में क्या order of H1 है इक्वल की ऑर्डर ऑफ एच वन किसके इक्वल है पी ऑर्डर ऑफ एम के और सेम अगेन बट यहाँ पे क्या है इनके सब ग्रुप जो मेन ग्रुप है वो चेंज है यहाँ पे हमने एच को क्या बनाया ग्रुप बना दिया और यहाँ पे जी को ग्रुप बना दिया इस प्रकार डिफाइन हो गया अब हम सपोज करते हैं कि यदि इनके पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है या जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है और उसका ऑर्डर डिविजिबल है मतलब डिवाइड हो रहा है ऑर्डर ऑफ एप्ट के अकॉर्डिंग तो किस प्रकार होगा अब नेक्स्ट में ये शो करती हूँ कि जी के पास में क्या एक भी सब ग्रुप नहीं है प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो सपोज दैट देयर डजेंट एग्जिस्ट अब मैं ये कंडीशन ले रही हूँ इसके एग्जिस्टेंस में जी के एग्जिस्टेंस में एक भी प्रॉपर सब ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो यदि सपोज कर रही देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर ऑफ जी जी के पास कोई भी प्रॉपर नहीं एम जिसका ऑर्डर जिसका ऑर्डर किससे डिविजिबल हो रहा है पी ऑर्डर ऑफ एम से बट जी के पास तो एक एग्जिस्टेंस में ही कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तब मैं यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लगाती हूँ अगेन मैं यूज करती हूँ क्लास इक्वेशन के लिए किसके लिए क्लास इक्वेशन यूज करती हूँ फॉर जी के लिए तो जी के लिए जो क्लास इक्वेशन यूज होंगी वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड होंगे जिसके हम पिछले वीडियो में डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं क्लास इक्वेशन किस प्रकार डिफाइन होते हैं तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं क्लास इक्वेशन जी के लिए जो यूज करते हैं तो उसको मैं जनरली क्विकली डिफाइन कर देती हूँ तो जो परिमित समूह यानी कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स के लिए जो डिवाइड होती है फाइनाइट ग्रुप्स के लिए फाइनाइट ग्रुप्स के लिए हम जब डिवाइडेशन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर ऑफ जी के अकॉर्डिंगली क्लास इक्वेशन है ऑफ अ ग्रुप के लिए बनती है हम क्लास क्लास इक्वेशन इक्वेशन नहीं ऑफ अ ग्रुप की बात कर रहे हैं मतलब क्लास इक्वेशन एक ग्रुप पे डिफाइन होंगी तो किस प्रकार होंगी समेशन ऑर्डर ऑफ जी अगेन डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए मीन्स ये होगी डिफरेंट टाइप से डिवाइड तो यदि मैं इसको डिवाइड कर रही हूं तो वो क्या है दोनों डिफरेंट टाइप से तो बात करें आप फाइनाइट ग्रुप्स के लिए तो फाइनाइट ग्रुप्स के लिए ये बात हो हम कर रहे हैं क्लास इक्वेशन ओनली क्लास इक्वेशन की बात नहीं यदि हम क्लास को डिफाइन करेंगे तो ये किस प्रकार डिफाइन होंगी ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग होंगी यानी कि ऑर्डर ऑफ जो हम एक्स करते हैं वो प्रकार डिफाइन होंगी तो ये ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग बट हम क्लास इक्वेशन फॉर जी के लिए कर रहे हैं मीन्स यहां जी के हमारे लिए ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी जब शो ऑन करेंगे तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होगा समेशन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा किसको ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए तो ये इस प्रकार डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर डिवाइड कर रहा है किसके नॉर्मलाइजर ऑफ ए को तो जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है और सेंट्रलाइजर ऑफ ए ये भी बहुत टाइप से डिफाइंड होते हैं मतलब इसमें वैल्यूज जो होती है वो हम अगेन पुट ऑन करते हैं ए की वैल्यूज किस प्रकार डिफाइंड होती है तो जो बिलोंग्स टू वैल्यू है वो डिफरेंट तो यहां पर हमारे लिए क्या कहलाता है ये ये हमारे लिए एक क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप के लिए ओनली जस्ट फॉर ग्रुप्स के लिए तो अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है ये किस प्रकार होंगे ये ए के अगेंस्ट वैल्यू को शो करेंगे तो जो ये ए है नॉर्मलाइजर ए के लिए हम डिफाइन करते हैं तो इस प्रकार ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे तो ये क्लास इक्वेशन की बात हो गई वही सेम कंडीशन हमने ऑर्डर ऑफ जी के लिए लिया तो ऑर्डर ऑफ जी जहां पर जेड ऑफ जी क्या है ये सेंटर है तो जो ऑर्डर ऑफ जी है तो ये ऑर्डर ऑफ जी है क्या के लिए हमने जेड ऑफ जी को जो बिलोंग्स करवाया ए के एलिमेंट्स मतलब ए एलिमेंट्स बिलोंग करे जेड ऑफ जी में या जेड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं बट बात ग्रुप की हो रही है तो मैं इसको जेड ऑफ जी भी यूज कर सकती हूँ या ए बिलोंग्स टू जेड भी लिख सकती हूँ तो जब सेंटर ऑफ जी की बात हो रही है तो इस प्रकार डिफाइन होता है या मैं इसको सपोजिंगली कर लूंगी जेड तो जेड इसमें बिलोंग होगा कैपिटल जी में मतलब ग्रुप में जेड बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से सर दैट कंडीशन बन जाएंगी जेड एक्स इक्वल होंगे एक्स जेड के यही कंडीशन नॉर्मल में अगर हम पुट ऑन करते हैं तो जहां पर एक्स किस में बिलोंग करता है ग्रुप में यदि जेड बिलोंग करता है जी में तो जेड एक्स इक्वल एक्जेड कंडीशन हमें फॉलो ऑन होंगी तो एक्स किस में बिलोंग करता है ग्रुप जी में सारे एलिमेंट्स के लिए एक्स हमेशा किस में होगा ग्रुप के क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स को ये प्रॉपर्टी फॉलो ऑन हो रही है तो वही कंडीशन अगेन मैंने फॉलो ऑन की है कि यदि ऑर्डर ऑफ जी के लिए है बट हमने क्या लिया है एक सब ग्रुप लिया ये कंडीशन इसलिए अवेलेबल हुई है क्योंकि जो हमने देयर डजेंट एग्जिस्ट लिया मतलब इसके लिए वैल्यूज को एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है ये जी के लिए तो वही कारण हमें कंडीशन ये भी लिया है तो हमने इसको जो ए डजेंट बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं जेड ऑफ जी या अकेला जो ओनली है जी जेड भी यूज कर सकते हैं तो जो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ किसके है एन ऑफ ए मतलब यहाँ पे ये यह नॉर्मलाइजर ऑफ ए है जो अभी हमने अगेन सेंटर को देखी सेंटर ऑफ जेड किस प्रकार डिफाइन था वही कंडीशन हो गया अगेन कि ए डजेंट बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी ए बिलोंग नहीं कर रहा है जेड ऑफ जी में तो जो नॉर्मलाइजर होगा वो भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि सेंट्रल जो होता है अभी हमने सेंट्रल ऑफ नॉर्मलाइजर या सेंट्रल केंद्र बिंदु जो हमने पढ़ा तो वही अगेन हमें क्या मिला था जेड एक्स इक्वल एक्स डेड तो यही कंडीशन नॉर्मलाइजर में पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें क्या डिफाइन हो रहा है तो यही हमें जी एक्स डिफाइन करते थे एक्स जी तो ये नॉर्मलाइजर की कंडीशन होगी सेम कंडीशन बोथ तो दोनों बिलोंग नहीं करेंगे

क्योंकि तो हमने यही सपोज करा है जो हमने सपोज करा था कि सब जो वैल्यूज है वो डजन टैक्सिस तो वही है। हमारे से हमें जो कंडीशन मिलना था वही मिली अब हम क्या करते हैं नाव ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए ये डजन डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए को मतलब अगेन वही कंडीशन की ऑर्डर ऑफ जी क्या है हमारे लिए ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजेशन को डिवाइड नहीं कर रहा अब यहाँ से हम एज अ कंडीशन लेके चलते हैं तो अब यदि ऑर्डर ऑफ जो पी है उसको डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को और यदि ऑर्डर ऑफ भी डिवाइड नहीं कर रहा है नॉर्मलाइजर को ऑर्डर ऑफ किसके नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को यदि डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ पी तो किस प्रकार की कंडीशन होंगी हमने दो कंडीशन ली कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है पी का ऑर्डर बट पी का ऑर्डर ही अगेन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर को डिवाइड नहीं कर रहा तो ये कंडीशन होंगी सिंस दैट जो कंडीशन होंगी इस प्रकार होंगी कि जो ऑर्डर ऑफ P है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ G को यदि डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ G के लिए मैं इतना यूज कर सकती हूँ कि नॉर्मलाइजर ऑफ का बोर्ड टाइप में क्या करती हूँ मल्टीप्लीकेशन तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ने एक मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो इस कंडीशन मेरी होंगी कि ऑर्डर ऑफ M के लिए तो है बट यदि मैं ऑर्डर ऑफ अगेन ओनली P के लिए सोल्व करूँ इस कंडीशन को तो क्या डिवाइड करेगा तो बिल्कुल क्योंकि जो पी एम के लिए सारी मेरे वैल्यूज को सेट ऑन करा है एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या करेगा डिवाइड करेगा तो यही मैंने ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए के लिए पी डिवाइड करेगा तो सेम कंडीशन यदि ये डिवाइड करा तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप का यूज कर लेती हूँ मीनस यहाँ पे मैंने क्या बाय इक्वेशन जो फर्स्ट हमारी उसको अकॉर्डिंगली उस सपोज हम कर ले तो इस प्रकार बनेगा कि ए डजेंट बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी मतलब इसमें वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है तो सेम अगेन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए को अब यदि डिवाइड कर रहा है तो इस प्रकार बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है जेड ऑफ जी को तो इसको मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन से जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट दी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको क्या करा समेशन के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज थी वो पुट ऑन हो गई मतलब इस टाइप्स की वैल्यूज को हमने समेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन करा तो वैल्यूज को समेशन को पुट ऑन कर दिया तो ये हम इसको सेंट्रल ऑफ जी लिख सकते हैं मतलब जेड यहाँ पे सेंट्रल है किसका एक ग्रुप के लिए सेंटर है तो यदि ग्रुप डिफाइन हो रहा है उसके लिए जेड के हमारे लिए सेंट्रल पॉइंट है से। तो जो सेंटर उसको डिफाइन करता है वो वैल्यूज को पुट ऑन हो रहा है इसलिए पी किसको को डिवाइड करा है ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो मैंने किसके अकॉर्डिंगली सपोज करा है बाय यूजिंग फर्स्ट से अब यदि मैंने फर्स्ट से यूज करा है तो यहाँ से मैं एलिमेंट्स को किस प्रकार शो करूंगी एसपी का जो ऑर्डर है जेड ऑफ जी के लिए वो इस प्रकार होगा तो पी का ऑर्डर डिफाइन करेगा जेड ऑफ जी को सो देआर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से हम एक एलिमेंट्स को सही करेंगे कि यहाँ पे जो जेड है सेंटर्स के लिए हमने एक्स बिलोंग कर लिया मतलब जो ग्रुप मैंने सपोज करा उसमें सेंट्रल पॉइंट है जेड तो जेड के लिए मैंने एक्स एलिमेंट्स को सपोज करा तो एक्स किसमें बिलोंग करेगा एक्स ग्रुप में तो है बट सेंट्रल ऑफ ग्रुप के लिए है तो एक्स बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी के लिए तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि सर दैट ऑर्डर ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा पी के मतलब ये नंबर्स के लिए शो हो रहा है तो यहां से मैं के को यदि सपोज करूं एक ऑर्डर ऑफ के, के लिए मतलब सीक्वेंस में के है अब जो सीक्वेंस के लिए हम मैं यूज कर रही हूँ एक्स तो एक्स क्या है एलिमेंट्स इसके डिफरेंट टाइप से अब यदि ऑर्डर करे एक्स वन एक्स तो सारे सेट्स के लिए एक्स बिलोंग है मतलब एक्स बिलोंग्स कर रहा है सारे सेट्स को क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग है तो यदि मैंने एक्स एक सिक्वेंस लिया है के के सपोजिंग में एक्स को सपोज कर रही हूँ के, 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 के तो एक्स तो जेट का एलिमेंट्स है डिफाइन कर रहा है और इसी प्रकार के भी है यदि है तो किस प्रकार बनेंगे वैल्यूज तो ऑर्डर किसको हो रहा है एक्स को डिफाइन तो कर रहा है बट एक्स किसके इक्वल है के तो एक्स के अगेन सपोज करती हूँ मैं के तो अगेन मुझे ऑर्डर पी मिलेगा मतलब ये ऑर्डर है दोनों बोट टाइप्स मुझे पी ही मिल रहा है तो क्या के नॉर्मल सब ग्रुप हुआ जी का यस के क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का हम बोट टाइप्स सिंबॉल यूज है ये नॉर्मल सब ग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं तो जो ये प्रॉपर सब ग्रुप के लिए सिंबल हमने यूज करा है तो इसी प्रकार करा है कि बोथ एलिमेंट क्या मिल रहा है सेम क्योंकि एक्स किसका एलिमेंट है जी का जी है ग्रुप ये भी है और यदि मैंने के को लिया के इक्वल तो ये भी सेम कंडीशन में फॉलो मतलब हमें एक एलिमेंट मिल गया के वो भी किसके अकॉर्डिंग है एक्स के तो यही नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होगी तो ये जी बाय के को क्या हमें एग्जिस्ट लिख सकती है सी एग्जिस्टेंस कर रहा है मीन ये प्रॉपर हो गया तो जी बाय के जो प्रॉपर एग्जिस्ट हो गया है मतलब यहाँ पे के क्या हो सकता है एक सब ग्रुप हो सकता है गन जी का क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसी प्रकार डिफाइन कर रहा है क्योंकि के को मैंने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया जी का मतलब ये जो जी है इसके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग लिखे और एग्जिस्टेंस हो रहा है इसलिए इसको मैं जी बाय के लिख सकती हूँ क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टीज में हम जो क्वेश्चन ग्रुप पढ़ते हैं उसको हम इस टेप से डिफाइन करते हैं तो क्वेश्चन फैक्टर के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रॉपर सब ग्रुप जब होता है तो जी बाय के एग्जिस्ट हो रहा है मतलब इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है अब जी by के एग्जिस्ट हो रहा है तो ऑर्डर्स को यूजिंग करती हूँ सेट्स ऑन करती हूं तो ऑर्डर ऑफ जी K के लिए किस प्रकार ऑर्डर बनेगा मैं सेपरेट ऑर्डर करती हूँ तो ये ऑर्डर ऑफ जी के लिए अगेन ऑर्डर ऑफ के डिवाइड करेगा तो ऑर्डर ऑफ जी है क्योंकि ऑर्डर ऑफ के वैल्यूज मैंने कितनी पुट ऑन करी तो जो के और एक्स और हमारे लिए वैल्यूज सेम थी पी तो ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है पी तो मैं यहाँ पुट ऑन करती हूँ वैल्यू पी तो जो किसके लेस देन होंगे ऑर्डर ऑफ जी के क्योंकि जितनी भी वैल्यूज मुझे पी के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी किसके लिए है मेन सब ग्रुप है और मेन ग्रुप है और एच क्या है यहाँ पे हमारे लिए सब ग्रुप है और के भी क्या है एक सब ग्रुप तो जो के की जितनी वैल्यूज हमें फाइंड होंगी कैसी होंगी लेस देन होंगी ऑर्डर ऑफ जी के ये कंडीशन हम पहले ही सपोजिंग ऑन कर चुके तो यही कंडीशन में सपोज करी कि ऑर्डर ऑफ जी बाई के किसकी को लगा ऑर्डर ऑफ जी पी तो मतलब के की वैल्यूज हमने पी पुट ऑन करी तो आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं यूज कर सकते हैं नोट ऑन के लिए अब हम क्या करते हैं पी एम जो ऑर्डर है जी के लिए उसी को डिफाइन करते हैं है, तो, कर तो जो ऑर्डर ऑफ पी के लिए एम मतलब है को डिवाइड तो करेगा तो यदि जी बाय के को डिवाइड करेगा तो पी ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन क्या करेगा ऑर्डर ऑफ जी बाय के को डिवाइड करेगा पर यहाँ पे एक नोटेशन की जो चीज है वो है नोट करने वाली कि पी ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन डजन डिवाइड टू ऑर्डर ऑफ जी यानी कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रहा है ये ये ऑर्डर ऑफ जी बाय के को डिवाइड कर रहा है मतलब के यहाँ पे हमारे लिए सब ग्रुप को यूज कर रहा है तो ये अगेन जी को डिवाइड नहीं कर रहा है ये सिर्फ किसको जी बाय के को डिवाइड कर ऑर्डर ऑफ तो यदि हमें ऑर्डर ऑफ जी आएगा तो ये डजन डिवाइड बट यदि हमें ऑर्डर ऑफ जी बाय के आएगा तो, तो डिवाइड होगा यही कंडीशन तो ऑर्डर ऑफ जी बाई के की बात की तो ये क्या हो गया हमारे लिए लेस देन हो गया ऑर्डर ऑफ जी के मतलब सपोज ऑन करेंगे तो सब ग्रुप्स के लिए जो ग्रुप्स की कंडीशन होंगी वो कैसी होंगी ग्रेटर देन या सब ग्रुप के लिए जो कंडीशन होंगी ग्रुप के अकॉर्डिंगली तो सब ग्रुप कैसा होगा लेस देन तो ये कंडीशन यहाँ प्रन होगी तो हम यहाँ से क्या लाइन इंक्लूड कर सकते हैं तो हम कह सकते सो दे आर अ सब ग्रुप एच ऑफ जी बाय के मतलब एच के लिए एक सब ग्रुप है क्या जी बाय तो के तो सर डेट एच कैसा होगा सब ग्रुप होगा किसका जी का ये कंडीशन हमारी होगी कि जी बाई के जो हमारे लिए क्या है सब ग्रुप एच का तो एच का सब ग्रुप है जी बाई तो के तो एच कैसा होगा सब ग्रुप यदि एच है सब ग्रुप जी का तो एच बाय के कैसा होगा सब ग्रुप होगा किसका एच hmm. का अगेन तो एच के जो हमारे लिए होगा जी बाई के वो कैसा होगा सपोजिंग ऑन तो ये कंडीशन यहाँ ग्रुप ऑन होगी बट आप ऑर्डर ऑफ एम के लिए सपोज ऑन करते हैं तो अब अगेन ऑर्डर ऑफ एच बाय के लिए हम सपोज ऑन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एच बाय के लिए जो ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन है वो कैसा इक्वल है तो इसको हम सेपरेट ऑर्डर बताएंगे तो ऑर्डर ऑफ एच कैसा होगा डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ के के तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाईर ऑफ के मीन दैट वैल्यूज है ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन अगेन क्योंकि ये जी बाय के लिए वैल्यूज है अगेन जी के लिए नहीं है ये जी बाय के लिए वैल्यूज है तो इस प्रकार पुट ऑन तो हो रही तो ऑर्डर ऑफ एच किसकेक्वल हो गया यदि हमने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ऑर्डर ऑफ के एन ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन और ऑर्डर ऑफ के वैल्यूज हम कितनी पुट ऑन कर सकते हैं हम ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं किसके इक्वल था वो किस के था? K -K. तो के और पी बोल दोनों में कंडीशंस में इक्वल आ रहे थे तो इनके लिए ऑर्डर ऑफ पी आ रहा था तो अब पी है तो ऑर्डर ऑफ इसके लिए एम माइनस वन है तो अगेन कंडीशन कितनी मिल गई हमें यदि हम इनको मल्टीप्लीकेशन में अकॉर्डिंगली सूट ऑन करें तो जो वैल्यूज होंगी पावर्स कैसे हो जाएंगी अगेन माइनस बैलेंस हो जाएंगे मीन जीरो तो अगेन एम बचेगा तो ऑर्डर ऑफ एम आ गया मतलब ऑर्डर ऑफ एच के लिए ऑर्डर ऑफ एम आ गया तो इस प्रकार जो साइलोस की फर्स्ट थ्योरम है पे प्रूफ ऑन होती है कि ऑर्डर ऑफ एच कितना आ गया पी पी ऑर्डर ऑफ एम में तो यहाँ पे आप इस प्रकार भी इसको यूज कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ के लिए इस प्रकार सोन है आप यहाँ पे एक अगेन ऑनलाइन भी सेट कर सकते हो तो यहाँ पे थ्योरम प्रूफ ऑन होती है तो साइलोस फर्स्ट थ्योरम में बेसिकली डिफाइन है किस पर क्लास पे और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो कि आपको क्लियर होना चाहिए आई होप आपको सालों स्वस्थ हो क्लियर हो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग